बना है हमदन महल। ये ज़मीन से 400 मीटर ऊपर जो बारिश का पानी आता होगा या जो तरफ, और ये गया है यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस जो है अभी हम यमपी आ गए, वो जैसा आप देख रहे हो कि यमपी में है, और यहाँ से चलना है अभी हमें, एक महल है कोई मदन महल, तो वहाँ चलते हैं। तो फिर लिफ्ट लेते हैं, देखते हैं लिफ्ट कैसे क्या लेते हैं, और आप भी बने रहिए। अभी हम ये देखो हाईवे पर हैं, ये हमारे सामने हाईवे गया है। ये इधर से आगे से जाओगे तो ये साउथ चला गया है, और ये जो इस तरफ को हाईवे गया है ये गया है गुजरात, और वहीं आगे से चौराहा वो जो सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। तो इस हाईवे पे है, और यहीं पे जैसा कि कल रात में देखा था कि हमने कैंपिंग किया था एक जंगल में हाईवे किनारे, तो वो देखा ही था, वो कैंपिंग वैम्पिंग करके। आज जो थोड़ा सा लेट हो गया है, 12 बज गया है, कि सुबह थोड़ा सा आज 8-9 बजे उठे, फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खा करके अब थोड़ा सा निकले हैं, तो 12:01 बज गया पूरा, सब एकदम तैयार। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं चलना है, 7 किलोमीटर है, तो हमने सोचा तक लेते चलो, वो महल है ना मदन महल, चलो। तो 2 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी, और वहाँ लिफ्ट लेकर के हम आ गए हैं। ये देखो ब्रिज के पास, ये जो बता रहे थे ये गया है साउथ की तरफ, और ये गया है यूपी जो उधर से बता रहे थे। और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, देखो नगर पंचायत जबलपुर डिकरा बोर्ड, और तो इसी के आगे हमको चलना है। यहाँ से कुछ ऐसा ये नज़ारा देख सकते हो हाईवे का, तो यही हम हाईवे के पास है। अभी हम लिफ्ट लेके आए थे, और लिफ्ट लेने के बाद फिर एक लिफ्ट मिली थी, और फिर जो है 3 किलोमीटर हमको जो है पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होती पर ज़्यादा नहीं। और अभी हम आ चुके हैं मदन महल, और दिखाते हैं ये जो है रास्ता चलाई गई है मदन महल। ये ज़मीन से 400 मीटर ऊपर पहाड़ी, उसी पर महल बना है, और ये देख सकते हो यहाँ का कुछ नज़ारा, ये देखो कैसा क्या है। और यहाँ से पूरा जो है जबलपुर दिखता है, एकदम काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ है, और ये देखो इधर से नज़ारा है, और चल रहे हैं आगे सीढ़ियों से, और अभी इस रास्ते से चलेंगे, फिर वहाँ पे गेट है, अब देखते हैं कैसा क्या नज़ारा होती। और खूबसूरत एकदम पहाड़ियों के बीच में, और तो ये देखो नज़ारा एकदम कैसा दिख रहा है यहाँ से देख सकते हो, ये एकदम पहाड़ रखे हैं, और ये आगे जंगल है कुछ, और इधर से ऐसा ये नज़ारा है, और ये जो पानी भरा है बीच में, जो बारिश का पानी आता होगा या जो भी कुछ होता होगा वैसे ही पानी, पूरा व्यू दिखाते हैं कैसा क्या। ये देख सकते हो नीचे का पूरा नज़ारा, बहुत ऊंची पहाड़ी है। और फिर दिखाते हैं यहाँ का जो महल है, तो ये देखो यहाँ का ये ऐसा महल है, ये इधर से ये देख सकते हो, वो अभी उस महल के अंदर हम चल रहे हैं, और चल के दिखाते हैं कैसा अंदर, और दिखाते हैं ये देखो महल की ये सीढ़ियाँ बनी हैं, ये देखो ये पूरा जो है पहाड़ी पर ये बना है, ये देखो ऐसे पहाड़ है, ये देखो इस पहाड़ी पर ऐसे करके पूरा जो बना है इधर से, और इधर जो है चल रहे हैं अंदर। ये गेट है कुछ ऐसा यहाँ महल का, ये देखो ये गेट है, और इधर बंद है, इधर से हम चल रहे हैं अंदर, और यहाँ से ये देखो बाहर का नज़ारा, ये देख सकते हो एकदम कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से, काफ़ी ऊंचे जो हम चढ़ के आए हैं। और ये कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा है, देख सकते हो, और इधर से ये देखो है जीना, और जीना चढ़ते हैं, ये देखो इधर से, हाँ ये देखो हम आ गए, ये देखो इधर से, ये यहाँ से कुछ है। ये कुछ ऐसा ये दरवाज़ा है, अभी भी ये चूना पत्थर के देखो दिखेगा, ये देखो पूरा ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। और दिखाते हैं कि हम जो सबसे ऊपर खड़े हैं, ऊपर से जो है महल का व्यू कैसा दिख रहा है, तो ये देखो महल का कुछ नज़ारा ऊपर से। यहाँ पे पहले जो है घुड़सवारी, जो घोड़ा अस्तबल रहता था वहाँ पे जो है शस्त्रागार रहता, अब तो सब गिर गया है। बाकी ये देख सकते हो ऊपर से कुछ नज़ारा यहाँ का कैसा दिख रहा है, ये पूरा महल है मदन महल, ये देखो इधर से, ये क्या है कि चारों पहाड़ियों के बीच में बसा है, अब तो ये देखो सब आबादी दिख रही पूरी, जहाँ देखो वहाँ पूरा शहर दिख रहा है बहुत दूर दूर तक। ये देखो कुछ ऐसा यहाँ से नज़ारा है, अभी भी समझ लो कितना सुंदर है, तो 500 साल पहले महल कैसा दिखता होगा ये देख सकते हो। वहाँ से अब वहाँ से होते हुए जो हम इधर से यहाँ पे आ गए, अब ये देखो इधर कुछ, अब तो कुछ सब टूट गया, बाकी ये छत है इधर, ये कुछ ऐसा नज़ारा, ये जो बना है
हमारे हिसाब से ये पानी की बावड़ी होगी पहले, जो पानी पीने के लिए एकत्रित किया जाता होगा। ये कुछ ऐसा है, ये देख सकते हो इधर से, और ऐसा है पूरा महल बत ऐसा ये नज़ारा दिख रहा है, ये देखो इधर से और इधर, ये देखो एकदम ये गोल गोल कुछ ऐसे करके बना है, ये बरांडा है पूरा इधर से और इधर। महल का निर्माण गोंडा वंशी शासक संग्राम शाह ने करवाया था, वीर नारायण से संबंधित रहा। यह महल सुरक्षा चौकी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था, और क्योंकि ये जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इस वजह से जो है सुरक्षा चौकी के लिए बहुत आराम रहता था। यह महल जो है इसमें इतना सोना चांदी था कि आज भी लोगों को सोना चांदी कुछ बहुत मिल जाता है। भाई तभी जो है मदन महल से हम आ गए, और वहाँ से जब महल से नीचे आओगे तो यहीं पे एक बैलेंसिंग रॉक है, जो कि एक पत्थर है और बहुत बड़ा। तो दिखाते हैं पहले, तो ये जो पत्थर है इसे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पत्थर पूरा सधा हुआ है, ये देख सकते हो एकदम छोटी सी जगह पर, देखो एकदम सधा हुआ है। इधर से देखो, ये देखो पूरा एकदम बहुत ही कम ऐसे जैसे रखा, एकदम ऐसे टंगा हुआ एकदम पूरा पत्थर है, ये देख सकते हो यहाँ से। और इधर से कुछ ऐसा नज़ारा है। तो अभी जो है हम बैलेंसिंग रॉक जैसा बताया है, क्लिक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर देना। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।